आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी फाइन हूँ। एंड इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। हालांकि मैं फालतू वीडियो बनाता नहीं हूँ, जो भी वीडियो बनाता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए तो मैं बनाता हूँ। तो इस बेसिकली मैं क्या करूँगा कि इस वीडियो में जितना मैंने कोर्स आपको दिया हुआ है बाइनरी ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो उसका पूरा जो है इसमें एक तरह से मैं समराइज़ करूँगा पूरे कोर्स को। और कुछ अगर एडिशनल चीज़ें हैं जो अभी मैंने रिसेंटली फाइंड किया है उसको भी साथ में डिस्कस करूँगा। तो बेसिकली ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट आप प्लीज़ आप पेशेंस रखना। ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है और इसमें मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको मैं पूरी ट्रेडिंग जो है इसी वीडियो में मैं आपका कंप्लीट करा दूं आपको। हालांकि मैंने एक एक करके वीडियो बनाए हैं ऑलरेडी, लेकिन अगर आपने वो सारे वीडियो देखे हैं तो ठीक है, लेकिन मैं इस वीडियो के थ्रू मैं रिमाइंड कराऊंगा चीज़ों को, एक तरह से मैं रिविज़न कराऊंगा, लेकिन साथ में कुछ अपडेट भी दूंगा। और उसके साथ साथ मैं चीज़ों को और जितना मैं समराइज़ कर सकता हूँ या मैं जितना शॉर्ट में कर सकता हूँ, यानी कि शॉर्ट एंड बिल्कुल सब कुछ कवर भी करूँगा, गागर में सागर जिसको बोलते हैं वैसा काम करूँगा। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, इसको आप लोग ध्यान से देखना और कुछ भी मिस मत करना, क्योंकि मैं इसमें सारी चीज़ों को कवर करूँगा। सबसे पहले मैंने आपको वीडियो दिया था कोटेक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, आपको याद होगा। तो मैंने कोटेक्स ब्रोकर को बताया था कि ये एक बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली हम लोग इसमें बाइनरी ट्रेडिंग को कर पाते हैं थ्रू दिस ब्रोकर। तो बाइनरी ट्रेडिंग के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बट ये प्लेटफॉर्म मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका यूआई वगैरह काफ़ी अच्छा है, ट्रेड प्लेसमेंट बिल्कुल इंस्टेंट हो जाता है और इसका जो रियल टाइम डेटा है वो काफ़ी एक्यूरेट होता है। यानी कि जो चार्ट, कॉमन चार्ट जो डिस्प्ले हो रहा है, जो अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पर डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि जैसे ट्रेडिंग व्यू वगैरह हो गया, तो ये रियल टाइम बिल्कुल मिसमैच नहीं होता है। और कुछ दूसरे ब्रोकर हैं जो जिसमें रियल टाइम डेटा मिसमैच हो जाता है कभी कभी, तो वो पूरा होता है सर्वर पे डिपेंड करता है। एनीवे वो टेक्निकल पार्ट है सब। तो मैं ये बोलूँगा कि ये ब्रोकर मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। अगर आपको भी समझ में आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से साइन अप कर लीजिए और टेस्ट करिए। डेमो बैलेंस मिलता है, आपको 1 रुपये पे नहीं करना है उसका। डेमो पे आप सीखिए, मेरा कोर्स है, मेरे कोर्स को देखिए, सीखिए, डेमो पे टेस्ट करिए। देन अगर जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तब आप ट्रेडिंग अपना स्टार्ट करना, लेकिन मेरे से सीखने के बाद। सबसे पहले मैंने आपको इसी का इंट्रोडक्शन बताया था, उसके बाद मैंने सेकेंड वीडियो शायद दिया था आपको टाइप्स ऑफ मार्केट के रिगार्डिंग। तो टाइप्स ऑफ मार्केट में मैंने ये बताया था कि जो भी मार्केट होता है, यानी कि GBP USD का मार्केट है, यूरो JPY का मार्केट है, यूरो USD का मार्केट है, यानी कि जो भी मार्केट होता है GBP JPY, तो बेसिकली ये जो करेंसी पेयर होते हैं, तो ये यूरो USD, यूरो यूरोप का करेंसी है एंड US डॉलर अमेरिका का करेंसी है। तो दोनों के बीच में जो एक्सचेंजेस हो रहे हैं, करेंसी के जो एक्सचेंज होते हैं, तो उसी का ये चार्ट चल रहा होता है मार्केट में, उसी पे हम लोग ट्रेड करते हैं, हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट के ऊपर। यानी कि अभी अगर यहाँ से आप देखोगे तो ये कैंडल के फॉर्म में ये पूरा मार्केट चल रहा है। ग्रीन कैंडल का मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है और रेड कैंडल का मतलब मार्केट नीचे जा रहा है। तो अभी करंट जो सिनेरियो है वो मार्केट के नीचे की तरफ है, क्योंकि रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, इस पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जब ट्रेडिंग करने जाते हैं तो हमको मार्केट का टाइप हमको समझ में आना चाहिए कि हम मार्केट का टाइप क्या है, अभी करंट टाइप क्या है। तो आप देखो, अगर इसको जितना जूम आउट कर सकते हो उतना जूम आउट कर लो, उसके बाद देखोगे।
तो ये जो यहाँ से ड्राइंग टूल से मैं एक लाइन ले लेता हूँ, ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ, जैसे कि ये एक लाइन है। तो देखोगे कि जितना आपने जूम आउट कर लिया उतना कर लो, उसके बाद देखोगे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गया ऐसे। तो मैं इसको भी ड्रॉ करूँगा, तो फिर मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ गया, ऐसे नीचे की तरफ गया मार्केट इस लेवल से। एंड अगेन आप देखोगे तो मार्केट क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो मार्केट बिल्कुल, आप सोचोगे कि एक इस तरह से बिल्कुल चलता जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है यूजुअली, इस तरह से मार्केट ऐसे चलता जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मार्केट जिगजैग चलता है, मार्केट बिल्कुल यूनिफॉर्म वे में नहीं चलता है। यानी कि अगर इस मार्केट को मैं और डीपली एनालिसिस करूं इस मार्केट को, तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। तो ऊपर नीचे यानी जिगजैग मोशन को मार्केट फॉलो कर रहा होता है, राइट। तो कहीं जिगजैग छोटे छोटे होते हैं और कहीं जिगजैग बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, या कहीं कहीं दोनों होता है, ठीक है। हाइब्रिड टाइप का मार्केट हो जाता है फिर। तो यहाँ देखो, यहाँ से मार्केट गया, फिर यहाँ से नीचे जा रहा है, फिर मार्केट ऊपर गया। एंड अभी करंट कैंडल जो देखोगे, लास्ट कैंडल जो देखोगे, तो वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट का मूवमेंट ऐसे रहता है बेसिकली। तो उसमें मार्केट का टाइप, तीन तरह का टाइप बेसिकली होता है। सबसे पहला जो टाइप होता है मार्केट का, वो होता है ट्रेंडी मार्केट। यानी कि मार्केट अगर इस तरह से चले, मार्केट ऐसे चलता जाए ऊपर की तरफ, तो इसको बोलेंगे ट्रेंडी मार्केट। यानी कि देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट क्या था, ट्रेंडी था, ऊपर गया मार्केट, फिर यहाँ से नीचे आया तो ये डाउन ट्रेंड यहाँ से फॉर्म किया मार्केट ने। लेकिन ये डाउन ट्रेंड उतना बड़ा नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है, एक छोटा सा डाउन ट्रेंड है। जबकि ये वाला अप ट्रेंड देखोगे, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ये वाला देखोगे अप ट्रेंड देखोगे, तो ये थोड़ा ठीक ठाक है, ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो मार्केट एक होता है ट्रेंडी मार्केट। तो ट्रेंडी मार्केट में इस तरह का मूवमेंट होता है, मार्केट ऊपर जा रहा होता है। जैसे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात करोगे तो मार्केट ट्रेंडी था, राइट। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की बात करोगे तो मार्केट ट्रेंडी था, बट डाउन ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड है, ओके। तो एक होता है ट्रेंडी मार्केट। तो ट्रेंडी मार्केट में मार्केट इस तरह से मूव कर रहा होता है, एक ट्रेंड को फॉर्म कर रहा होता है, राइट। और दूसरा होता है, एक होता है रेंजिंग मार्केट। तो उसका भी एग्जांपल मैं फाइंड करता हूँ। तो रेंजिंग, बेसिकली रेंजिंग मार्केट में क्या होता है, तो मेरे को एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। वीडियो में बने रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, इसको मिस मत करिएगा प्लीज़। ये सारे पॉइंट जो हैं, अगर आप ये, मैं बिल्कुल आपको ये गोल्डन पॉइंट्स दे रहा हूँ, ये आपको समझना पड़ेगा अगर आपको मार्केट से प्रॉफिट बनाना है, नहीं तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे देखो, जब मार्केट एक पॉइंट को टच करके मूव कर जाता है, अगेन पॉइंट को टच किया, मूव कर गया, तो ये एक लेवल हो गया। तो इस तरह का अभी देखो, फिर मार्केट अभी यहाँ तक गया, लेकिन अभी यहाँ तक आया नहीं, लेकिन आई होप चांस है कि यहाँ पे फिर आएगा मार्केट और यहाँ से टर्न हो जाएगा। तो जब मार्केट इस तरह से रिएक्ट कर रहा होता है, तो इसको रेंजिंग मार्केट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिनेरियो नीचे की तरफ भी होना चाहिए, नीचे की तरफ उतना अच्छा सिनेरियो नहीं दिख रहा है, ऊपर तो एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है। तो ये बेस्ट एग्जांपल नहीं है रेंजिंग मार्केट का। तो मैंने एक ट्रेंडी मार्केट बताया, दूसरा मैं रेंजिंग बता रहा हूँ। तो मैं और कहीं देखता हूँ मुझे कोई बेस्ट एग्जांपल मिले रेंजिंग मार्केट का। यस।
अगर आप इस मार्केट में आओगे इस मार्केट में आओगे, अभी जो करंट मार्केट अभी मैंने खोला हुआ है, इस मार्केट में आओगे तो यहाँ देखो, यहाँ पे मार्केट यस, अगर मैं इस एरिया की बात करूँगा तो ये देखो मार्केट यहाँ इस लेवल पे जा रहा है, नीचे चला आ रहा है, मार्केट अगेन ऊपर गया, टच के इस लेवल को नीचे चलाया। हालांकि यहाँ पे मार्केट ऊपर गया बट ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, अगेन मार्केट वापस इसी जोन में आ गया, फिर अगेन मार्केट ऊपर जाता है, नीचे चला आता है। ठीक है, तो ये रेंजिंग मार्केट का एक अच्छा एग्जाम्पल है, राइट। तो नीचे भी कुछ ऐसे ही हो रहा है, देखो तो मार्केट ऐसे दो, ये दो लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये जोन क्रिएट हो गया, इसी जोन के बीच में मार्केट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर थोड़ा सा गया फिर नीचे आ गया। तो आप देख रहे हो मार्केट बार बार इस लेवल को टच कर रहा है। ठीक है, तो ये है रेंजिंग मार्केट। कौन सा मार्केट है ये? रेंजिंग मार्केट। तो आप देख रहे हो कि मार्केट कई बार यहाँ पे इसको टच कर रहा है। थोड़ा सा मैं कुछ एग्जांपल करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट एक यहाँ पे 1 टाइम टच किया, 2 टाइम टच किया, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, फेक ब्रेकआउट हुआ क्योंकि मार्केट देखो वापस आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे भी फेक ब्रेकआउट हुआ, मार्केट देखो वापस आ गया, लेकिन थोड़ा सा ऊपर कुछ देर तक था मार्केट। यहाँ पे देखो थर्ड टच मिला मार्केट को, तो अगर 3 टच मिल जाता है मार्केट को तो उसके बाद ये लेवल काफ़ी एक पावरफुल लेवल हो जाएगा। कम से कम 3 टच अगर मिलता है तो फ्यूचर में काफ़ी चांस रहेगा, आगे के टाइम में काफ़ी चांस रहेगा कि मार्केट अगेन इस लेवल पे आएगा और टर्न करेगा। ओके, तो इस तरह से मार्केट मूव करता है गाइस। तो यही सारी चीज़ें आपको सीखना चाहिए कि मार्केट कहाँ से मूव कर रहा है, कहाँ से बार बार मार्केट कहाँ से बार बार टच करके वापस जा रहा है, कहाँ से टर्न हो रहा है। तो इसी को टेक्निकल एनालिसिस बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती है। तो नीचे भी आप देखोगे तो डाउन साइड में भी क्या कर रहा है मार्केट, वही काम कर रहा है। डाउन साइड में भी मैंने लाइन लेवल ड्रॉ किया था, तो आप देखोगे कि मार्केट डाउन में भी वही काम कर रहा है। तो 1 टच यहाँ पे किया मार्केट ने, फिर एक यहाँ पे किया मार्केट ने, 1 टच मार्केट ने यहाँ पे भी किया। तो इस तरह से मार्केट क्या कर रहा है, टच कर रहा है लेवल्स को। तो इस तरह का अगर मार्केट मूव कर रहा हो, यानी कि दो लेवल के बीच में मार्केट अगर मूव कर रहा हो, कैसे मूव कर रहा है मार्केट, ऐसे जिगजैग टाइप में मूव कर रहा है मार्केट। कैसे मूव कर रहा है आप लोग देखो, मैं फिर से वो कर देता हूँ। तो ये मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। तो देखो मार्केट इस तरह से क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा है ऊपर, फिर मार्केट नीचे आ जा रहा है ऐसे, अगेन मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर चला गया, एंड अगेन मार्केट यहाँ पे आ गया, अगेन मार्केट यहाँ पे आया, एंड अगेन मार्केट यहाँ पे आया, एंड अगेन मार्केट यहाँ पे आया। तो मार्केट जिगजैग फॉलो करते हुए क्या कर रहा है, दो लेवल के बीच में मार्केट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेंजिंग मार्केट। ठीक है, तो रेंजिंग मार्केट में हम मैं ट्रेडिंग तो बताऊंगा ही साथ में, पहले ये सब चीज़ों को समझो। तो ये रेंजिंग मार्केट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला जो टाइप होता है मार्केट का, वो होता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का एग्जांपल आप यहीं पे देख सकते हो पीछे प्रीवियस चार्ट में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इसी को ऐसे ड्रॉ कर दूँ,
तो यहाँ पे देखो मार्केट नीचे गया, अगेन मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे ऊपर नीचे नीचे, फिर यहाँ से ऊपर जाके या फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट ऊपर चला गया। बट यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा स्टक हुआ है, तो ये स्टक, इसको स्टक एरिया मार्केट बोलते हैं। तो स्टक एरिया मार्केट का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं था, मैं एक बेस्ट एग्जाम्पल कहीं से निकाल के देता हूँ आपको। जैसे देखो स्टक एरिया में क्या होता है, एक रेड कैंडल आता है, एक ग्रीन कैंडल आता है, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। तो मार्केट एक लीनियर फैशन में मूव करने लगा, आपने देखा यहाँ पे। तो मार्केट ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है, ना अप ट्रेंड फॉर्म कर रहा है ना डाउन ट्रेंड फॉर्म कर रहा है, क्योंकि बायर्स एंड जो सेलर्स हैं दोनों का पावर जो है इक्वल हो गया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। बायर्स एंड सेलर्स का जो पावर है वो इक्वल हो गया है, यानी कि कंपटीशन चल रहा है बायर्स में एंड सेलर्स में, तभी इस तरह का सिनेरियो क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये स्टक एरिया मार्केट होता है, इसको बोला जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे हाइब्रिड टाइप का भी मार्केट होता है, उसमें सब कुछ मिक्सअप दिखता है, तो उधर की तरफ नहीं जाएंगे। आप लोग तीन चीज़ों को समझो, एक होता है ट्रेंडी मार्केट जो मूव कर रहा होता है ऊपर या नीचे की तरफ, उसको ट्रेंडी मार्केट बोलते हैं। एक होता है रेंजिंग मार्केट जो मूव कर रहा होता है दो लेवल के बीच में, और एक होता है स्टक एरिया मार्केट जिसमें मार्केट उसका मूवमेंट फाइनल नहीं हो पाता है, वो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, यानी कि एक रेड कैंडल बनता है एक ग्रीन कैंडल बनता है, ऐसा मार्केट वो फ्रीज हो जाता है मार्केट। तो सेलर्स में एंड बायर्स में बेसिकली कंपटीशन हो रहा होता है, तो इस तरह का सिनेरियो क्रिएट होता है। तो टाइप्स ऑफ मार्केट में इतनी चीज़ें हैं, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और मैं अब आगे की तरफ चलता हूँ। आगे मैंने आपको दिया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, तभी मैंने जो रेंजिंग मार्केट के केस में आपको समझाया लेवल ड्रॉ करके। ठीक है, तो उसी को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो मैं बेस्ट एग्जांपल लूँगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि काफ़ी लोग गलती करते हैं, और अभी मैंने जल्दी उसमें उस पर वीडियो दे रखा है आपको। तो यहाँ पे देखो मार्केट इस लेवल से नीचे आ रहा है, इस लेवल से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हो गया, बट फेक ब्रेकआउट था, मार्केट अगेन उसी जोन में आ गया। ठीक है, नीचे की तरफ देखो कि मार्केट इस लेवल को टच कर रहा है, इस लेवल को टच कर रहा है, फिर यहाँ पे देखो वीक बाय वीक भी टच हो रहा है मार्केट, ये लेवल टच हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल, जो ऊपर का लेवल होता है एंड नीचे का लेवल होता है सपोर्ट लेवल। रेजिस्टेंस लेवल का मतलब ये होता है कि मार्केट वहाँ तक रेसिस्ट कर पा रहा था, बट उसके ऊपर जाने में उसको वो ट्रबल फील कर रहा है, ट्रबल कर रहा है मार्केट, तो इसीलिए उसका नाम है रेसिस्टेंस। एंड नीचे उसको सपोर्ट लेवल इसलिए बोला जाता है क्योंकि मार्केट ऐसा लगता है कि उसी का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है टच करके उसको बार बार, तो इसीलिए उसको सपोर्ट लेवल बोला जाता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या करते हैं, हमको हेल्प करते हैं मार्केट से प्रॉफिट निकालने में। तो ये ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसको, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। तो बेस्ट तरीका मैं आपको एक बार और बता देता हूँ मैं। तो मुझे पहले कोई बेटर उस तरह का मार्केट देखना पड़ेगा। तो मैं चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ बस इसलिए ताकि आपका जो ट्रेडिंग स्किल है वो थोड़ा ग्रो करे या डेवलप हो, अगर नहीं है तो वो तभी होगा जब मैं चीज़ों को बार बार बताऊँगा, रिपीट करूँगा, आपको सिखाऊंगा तभी, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसे नहीं आती है, ट्रेडिंग में काफ़ी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है तभी आप एक अच्छा ट्रेडर बन पाते हैं।
उसी के साथ आपको डेडिकेटली वर्क करना होता है, प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है, तभी आप एक बेटर ट्रेडर बन सकते हैं। नहीं तो ऐसे तो गैम्बलिंग तो बहुत लोग कर रहे हैं। अगर आपको भी वही काम करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको सीखना है तो डेफिनेटली आपको सीखना चाहिए। तो कभी भी अगर आपको सपोर्ट या रेजिडेंस लेवल आपको ड्रॉ करना हो तो यहाँ पे देखो, आप चार्ट में देख रहे हो कि मार्केट इस लेवल तक जा रहा है, यहाँ भी देखो वही चीज़ हुआ, इस लेवल तक जा रहा है बट उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, यहाँ थर्ड टाइम हो गया। अगर थोड़ा सा इसको और एडजस्ट करेंगे तो 4 बार हो गया, 5 बार हो गया ये, ठीक है। तो ये बेस्ट है, यहाँ पे आप एक लेवल ड्रॉ कर सकते हो। तो आप बहुत ज़्यादा लेवल ड्रॉ मत करो, मार्केट में बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होते हैं, लेकिन आपको बेस्ट लेवल आपको फाइंड करना है, वो आपको ऐसे ही फाइंड करना होगा। ऑलरेडी मैं वीडियो दिया हूँ इस पर, तो इसमें वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मैंने एक रेसिस्टेंस लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया, तो मार्केट यहाँ पे जा रहा है, नीचे चला आ रहा है। मार्केट देखो टच कर रहा है इस लेवल को, फिर नीचे चला गया, अगेन आया, मार्केट नीचे चला गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा लेवल है, क्योंकि मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। प्रीवियस में किया था, लेकिन देखो प्रीवियस में भी एक बार यहाँ पे हुआ है, लेकिन ये देखो ये वेरीफाई करता है, पीछे का हिस्ट्री वेरीफाई करता है इस लेवल को, कि हाँ इस लेवल में कुछ बात है, इस लेवल में पावर है, यानी कि ट्रबल कर रहे हैं बायर्स यहाँ से ऊपर जाने में, ठीक है। और जब भी यहाँ से आ रहे हैं तो उनका टर्न चेंज हो जा रहा है और वो सेलर्स में तब्दील हो जा रहे हैं सभी। तो देखो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, ठीक है। तो इसको रेजिडेंस लेवल बोलते हैं। तो इस तरह से लेवल आप ड्रॉ करोगे, एंड सपोर्ट लेवल नीचे होगा। तो सपोर्ट लेवल की अगर बात करेंगे तो ये देखो, यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे, बिल्कुल मैंने बोला था एज पे जाओ, लास्ट एज जो है, फिर देखो कितने लेवल कितने कितने टर्निंग पॉइंट उस पर मैच हो रहे हैं उस लेवल पे, नहीं मिलता है तो शिफ्ट करते जाओ ऊपर की तरफ ऐसे। तो देखो 3 यहाँ पे मैच मिल गया, 1 2 3, ठीक है। तो ये 3 अगर मिल जाता है तो उस लेवल में क्या होता है, पावर होता है, वो अच्छा है कि स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। तो ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मार्केट क्रॉस कर गया, लेकिन फिर यहाँ पे देखोगे कि अगेन क्या हो रहा है, वही चीज़ हो रहा है, अगेन मार्केट वही चीज़ रिपीट कर रहा है। और यहाँ तो खैर पहुँच नहीं पाया, लेकिन इस लेवल में कुछ बात है, यहाँ तक आने में मार्केट जो सेलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है यहाँ तक पहुँचने में। सो ये लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है, तो ये सपोर्ट लेवल हो जाएगा और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल होता है, आपको पता है। तो ऐसे आपको लेवल ड्रॉ करना होगा मार्केट के अंदर। तो एक और लेवल ड्रॉ किया जाता है, तो बट मुझे उस तरह का नहीं दिख रहा है मार्केट, तो मैं उसको भी यस, तो एक ट्रेंडी लेवल ड्रॉ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन की हेल्प से भी हम लोग लेवल ड्रॉ करते हैं मार्केट में। तो उसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ट्रेंडी फॉर्म में, जैसे ये देखो ये लेवल है, तो यहाँ पे भी मार्केट जा रहा है, नीचे चला जा रहा है, जा रहा है, नीचे चला जा रहा है, जा रहा है, नीचे चला जा रहा है। तो ये भी क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो ऐसे ही लेवल आपको निकालना पड़ेगा मार्केट के अंदर से, क्योंकि वो हेल्प करेगा आपकी। और अगर आप 1 मिनट में ट्रेड करते हैं तो आपको टाइम फ्रेम 1 मिनट का ही चूज़ करना होगा, यहाँ से 1 मिनट के चार्ट पे ही आप करोगे। अगर आप 5 मिनट में करते हैं तो 5 मिनट का यहाँ से ले सकते हो चार्ट। तो जिस भी टाइम फ्रेम में करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो ये एक लेवल हो सकता है, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ से अगेन टर्न हो रहा है इस लेवल से ऐसे।
लेकिन एक बार और अगर टर्न हो जाए तो फ्यूचर में आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, तब ये लेवल वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ इस लेवल में पावर है, पोटेंशियल है। ठीक है, तो ऐसे ट्रेंडी फॉर्म में भी आप लेवल ड्रॉ कर पाते हो, तो इसमें ये सपोर्ट लेवल ये नीचे का हो जाएगा, रेसिस्टेंस लेवल ऊपर का हो जाएगा। तो ये तरीका होता है गाइस लेवल ड्रॉ करने का। अब मैं कैंडल्स पे आता हूँ, कैंडल्स के बारे में मैं समझा देता हूँ आपको, तो मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। तो अगर रेड कैंडल बनता है मार्केट में, रेड कैंडल अगर बनता है मार्केट में तो डाउन ट्रेंड आता है, अगर ग्रीन कैंडल मार्केट में बनता है तो अप ट्रेंड आता है, तो वो ग्रुप में अगर आते हैं तो अप ट्रेंड, अगर अल्टरनेट में एक रेड बनता है ग्रीन बनता है तो मार्केट स्टक हो जाता है। ठीक है, तो कैंडल्स का क्या है रोल? तो अभी देखो, अभी जो कैंडल फॉर्म हो रही है, करंट जो कैंडल है, तो ये कैंडल जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ इस लेवल से, फिर देखो अभी करंट में नीचे चला गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो कैंडल में एक ओपनिंग पॉइंट होता है, कैंडल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ओपनिंग पॉइंट हो जाएगा कैंडल का। ठीक है, तो मैं इसी पे बता देता हूँ आपको। तो अगर जो कैंडल है आपका, वो जैसे कि ये जो करंट कैंडल है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है अभी, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इसका ओपनिंग पॉइंट हो जाएगा इस कैंडल का, ये यानी कि कैंडल इनिशियलाइज हुआ था इस पॉइंट से, और उसके बाद कैंडल जहाँ पे फिनिश होगा, तो अभी वेट करेंगे हम लोग, इसमें टाइम है इस कैंडल स्टिक में, तो उसका वो क्लोजिंग पॉइंट हो जाता है। ठीक है, यानी कि कैंडल ये यहाँ से इनिशलाइज हुआ, यानी कि 100 रुपीज़ पे सपोज ये कैंडल का प्राइस स्टार्ट हुआ और यहाँ पे 500 पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो अभी ये जो कैंडल फिनिश हुआ इसको देखो, इसका ये क्लोजिंग पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल के केस में नीचे होता है ओपनिंग पॉइंट, एंड रेड कैंडल के केस में ओपनिंग पॉइंट यहाँ पे होता है और क्लोजिंग पॉइंट होता है ग्रीन कैंडल के केस में यहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ, एंड रेड के केस में यहाँ पे होगा इस साइड में। ठीक है, तो ये होता है ओपनिंग पॉइंट एंड क्लोजिंग पॉइंट। तो बेसिकली वो प्राइस कैंडल क्या करता है, मार्केट का प्राइस या तो इंक्रीज करेगा, अगर ग्रीन कैंडल आता है मार्केट का प्राइस इंक्रीज करेगा, एंड अगर रेड कैंडल आता है तो मार्केट का प्राइस डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो कैंडल्स का फॉर्मेशन इसीलिए होता है ताकि मार्केट क्या करे, मूव करता रहे किसी एक डायरेक्शन में या बोथ डायरेक्शन में, या कभी ऊपर या कभी नीचे, मिक्सअप करके, तो दोनों बातें हैं। तो ये कैंडल स्टिक होता है, तो ये जो कैंडल स्टिक मैंने बताया, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत टाइप के कैंडल स्टिक होते हैं। तो एक होता है नॉर्मल कैंडल, तो अभी जो कैंडल्स आपको दिख रहे हैं ये नॉर्मल कैंडल है, ये भी नॉर्मल कैंडल है, ये भी नॉर्मल कैंडल है। तो नॉर्मल कैंडल का साइज क्या होता है, मीडियम टाइप का होता है, जैसे कि अभी आपको दिख रहा है, और उसमें विक रहते हैं, हो सकता है एक विक हो, यानी कि ये शेडो लाइक जो दिख रहा है ये विक है, या दो विक हो, ये शेडो लाइक जो दिख रहा है ये विक है, तो उसमें विक होना चाहिए, तो वो कैंडल उसका साइज मीडियम होना चाहिए, तो नॉर्मल कैंडल हो जाता है। उसके बाद और भी एक कैंडल होता है जिसका नाम होता है डोजी कैंडल स्टिक। तो डोजी में बेसिकली क्या होता है, कैंडल का कोई बॉडी नहीं होता है, तो ये जो कैंडल स्टिक आपको दिख रहा है इसका कोई बॉडी नहीं है, ये कैंडल जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे फिनिश हो गया। तो ये कैंडल मार्केट में तभी आता है जब मार्केट में कंपटीशन चल रहा होता है बायर्स एंड सेलर्स का, यानी कि मार्केट डिसाइड नहीं कर पाता है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, ग्रीन कैंडल बनाना है या रेड कैंडल बनाना है, तभी इस तरह का कैंडल फॉर्म होता है मार्केट में। तो इस कैंडल को हम लोग डोजी कैंडल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है बिग कैंडल, बिग एबनॉर्मल कैंडल, या मारुबुजु, ये मारुबुजु तो नहीं है, ये बिग एबनॉर्मल कैंडल होता है। तो मार्केट में कभी कभी बहुत बड़े बड़े बिग कैंडल्स बनते हैं, तो उसको बिग एबनॉर्मल कैंडल बोला जाता है। ठीक है,
ये बिग एबनॉर्मल कैंडल है। तो ये भी बिग एबनॉर्मल कैंडल है। तो बिग एबनॉर्मल कैंडल का साइज काफ़ी बड़ा होता है मार्केट में। और उसके बाद एक कैंडल होता है मोरूबोजू कैंडल। मोरूबोजू कैंडल में कोई विक नहीं रहता है, या होता भी है तो काफ़ी छोटा है। ये मोरूबोजू कैंडल है क्योंकि विक काफ़ी छोटा है। ये भी मोरूबोजू कैंडल है, ये भी मोरूबोजू कैंडल है। ये तो बिग कैंडल हो जाएगा, ये मोरूबोजू कैंडल है, या बाल्ड, उसको बाल्ड कैंडल भी बोलते हैं, शेप्ड कैंडल भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। उसके बाद जो कैंडल स्टिक आता है वो होता है हैमर कैंडल स्टिक। तो हैमर कैंडल स्टिक, जैसे कि ये कैंडल स्टिक है तो ये हैमर कैंडल स्टिक, ये भी हैमर कैंडल है, वो हैमर लाइक दिखता है। तो ये दोनों, ये कैंडल हैमर कैंडल हो जाएगा, अगर ये उल्टा बनेगा तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल हो जाएगा, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल हो जाएगा। तो ये हैमर लाइक दिखता है, इसमें इसका एक साइड का विक काफ़ी बड़ा होता है, इसमें एक साइड का विक काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। ये हैमर कैंडल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी बॉडी ठीक ठाक है। अगर बॉडी का, इसका जो विक है 2x से ज़्यादा रहेगा, बॉडी अपनी बॉडी से उसका विक जो है 2x से 2.5 गुना से ज़्यादा रहेगा, तब वो एज ए नॉर्मल कैंडल कंसिडर किया जाएगा। सबसे इजी वे है आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। तो ये नॉर्मल कैंडल एक हो जाता है, हैमर कैंडल हो जाता है, सो सॉरी। तो हैमर कैंडल मैंने बता दिया, मैंने मोरूबोजू कैंडल बता दिया, मैंने नॉर्मल कैंडल बता दिया, और उसके अलावा कुछ स्मॉल कैंडल्स मार्केट में बनते हैं, ठीक है। तो उसका बहुत सारा नाम है, पिन बार है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बहुत सारे नाम होते हैं। तो मैं उसको स्मॉल कैंडल ही बोलता हूँ, ठीक है। तो जो भी कैंडल काम का है मैं उसका, मैं उसको कैटेगराइज कर दूंगा, बट सारे कैंडल का नाम याद करना वो तो करना नहीं है अपन को, अपन को ट्रेडिंग करनी है। जैसे ये कैंडल है, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल इसको बोलते हैं, ये लट्टू की तरह दिख रहा है, राइट, स्पिनिंग टॉप बोलते हैं इस कैंडल को। तो ये स्मॉल कैंडल की ही कैटेगरी में आएगा। अगर यही उल्टा बनता तो पिन बार इसको बोलते हैं, यानी कि ये विक अगर ऊपर रहता तो पिन बार बोलते हैं। तो इस तरह का कैंडल मार्केट में फॉर्म होता है। तो नाम पे नहीं जाना है, बेसिकली देखना है कि किस कैंडल का क्या इम्पैक्ट होता है, उसकी साइकोलॉजी को आप लोग समझो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अब मैं कैंडलिस्टिक साइकोलॉजी पे आता हूँ। तो मैंने ये सब कुछ बता रखा है ऑलरेडी अलग अलग वीडियोस में, इसमें मैं कुछ सब कुछ रिपीट कर रहा हूँ, ताकि मुझे लग रहा है कुछ सब्सक्राइबर को प्रॉब्लम हो रही है, भूल रहे हैं चीज़ों को, लेकिन मैं बता दूं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि ये इस्टेब्लिश कर दूं आपके ब्रेन में सारी चीज़ों को। तो वो चीज़ आप, मैं इतना अटेम्प्ट कर रहा हूं, तो प्लीज़ आप लोग भी करिए, और वो सारे वीडियोज़ भी देखिएगा, उसमें भी ये सारी चीज़ें और डिटेल में मैंने बता रखी हैं। यहाँ पर मैं बस रिविज़न कर रहा हूँ, लेकिन कुछ एडिशनल चीज़ें भी साथ में बता भी रहा हूँ साथ में इसमें, ठीक है। तो अब साइकोलॉजी पे आते हैं। तो नॉर्मल कैंडल का साइकोलॉजी क्या होता है? ये नॉर्मल कैंडल है, ठीक है, ये नॉर्मल कैंडल है, ये नॉर्मल कैंडल है। तो अगर किसी ट्रेंड में नॉर्मल कैंडल ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड है। तो नॉर्मल कैंडल अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो ये छोटा सा ट्रेंड है, अगर बड़ा ट्रेंड रहेगा तो किसी भी ट्रेंड में अगर नॉर्मल कैंडल का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो कंटिन्यूएशन होगा मार्केट में। मार्केट में उसी तरह के कैंडल्स और आ सकते हैं, ये इंडिकेशन मिलता है। अगर कब तक आएंगे वो कैंडल, जब तक उनको कोई स्ट्रांग लेवल नहीं मिलता है नीचे की तरफ, या कभी कभी वो लेवल ब्रेक भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लेवल हो तो चांस रहेगा कि वहाँ से रिवर्सल हो जाए। तो कंटिन्यूएशन को डिनोट करता है नॉर्मल कैंडलस्टिक, उसका यही साइकोलॉजी होता है। अगर ग्रुप में आता है ग्रीन कैंडल बहुत ज़्यादा किसी डाउन ट्रेंड में, तो कंटिन्यूएशन का चांस रहेगा। अगर
अब ट्रेंड में ग्रीन कैंडल आता है, ग्रुप में बहुत सारे ज़्यादा नॉर्मल कैंडलस्टिक आते हैं, तो वो कंटिन्यूएशन को डिनोट करता है, यानी कि मार्केट ऊपर ऊपर की तरफ जाने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ है जिसको आप लोग इसका साइकोलॉजी याद रखना, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है सारे कैंडलस्टिक का याद रखना। उसके बाद आप आ जाओ डोजी कैंडलस्टिक पे। तो डोजी कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी क्या होता है, डोजी कैंडलस्टिक के बाद हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए, रुक जाना चाहिए, थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मार्केट मार्केट में कंपटीशन हो जाता है कि बायर्स का ट्रेंड रहेगा कि सेलर्स का ट्रेंड रहेगा, दोनों फाइट कर रहे होते हैं मार्केट में, यानी कि वो सर्वाइव करने लगते हैं उस टाइम कि कौन आगे जाएगा। तो इस तरह का कैंडलस्टिक जब मार्केट में फॉर्म होता है तो हमको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो ये डोजी कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी होता है जो दोनों चीज़ों को इंडिकेट करता है कि बायर्स भी आ सकते हैं मार्केट में, सेलर्स भी आ सकते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, और बिग एबनॉर्मल कैंडलस्टिक की बात करते हैं, ये अगर आते हैं बिग एबनॉर्मल कैंडलस्टिक मार्केट में आते हैं, या इससे बड़े बड़े भी होते हैं, इतने बड़े बड़े आपने देखा होगा कभी कभी। तो इस तरह का कैंडलस्टिक जब मार्केट में आता है तो ऐसा लगता है कि मार्केट जो ट्रेंड है, जो लास्ट ट्रेंड है, उसमें उसका पावर क्या हो रहा है, फिनिश होने वाला है। अब फिनिश हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा उसका पावर, या ये भी हो सकता है कि वो बहुत तेज़ी से पावर में आ रहा है और वो और भी ऊपर की तरफ जाएगा। अगर रेड कैंडल इस तरह का है तो और भी नीचे की तरफ जाएगा, तो ये इंडिकेट करता है। तो यहाँ दोनों 50-50 चांसेज हो जाते हैं। तो ये भी कैंडल डेंजरस होता है, इस कैंडल पे भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए आपको। ठीक है, तो बिग एबनॉर्मल कैंडल का यही है, और यही साइकोलॉजी सेम साइकोलॉजी होता है मारुबोजू कैंडल का। मारुबोजू कैंडल भी अगर मार्केट में आता है, ये मारुबोजू कैंडल है जिसमें विक नहीं होता है, मारुबोजू कैंडल भी अगर मार्केट में आता है, ये भी मारुबोजू में ही आएगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। तो मारुबोजू कैंडल अगर मार्केट में आता है तो उसके बाद भी जो बिग एबनॉर्मल कैंडल का साइकोलॉजी है वो भी मारुबोजू कैंडल का साइकोलॉजी होता है। उसके बाद मार्केट का चांस रहता है कि मार्केट एग्जास्ट हो जाए या फिर उसी टाइप का कैंडल और आए मार्केट में, जिस टाइप का मारुबोजू कैंडल है, जो एग्जिस्टिंग कैंडल है। तो दोनों केस में आपको बचना है, मारुबोजू एंड बिग एबनॉर्मल कैंडल से आपको बचना है। और एक और कैंडल होती है हैमर कैंडल स्टिक। हैमर कैंडल स्टिक का साइकोलॉजी क्या होता है, हैमर कैंडल अगर मार्केट में, ये हैमर कैंडल है मार्केट में, अगर ये किसी SNR लेवल पे आ रहा है, किसी रेंजिंग मार्केट में आ रहा है, तो मार्केट ये इंडिकेट करता है कि वहाँ से मार्केट टर्न हो जाएगा। ठीक है, अगर हैमर कैंडल फॉर्म हो रहा है किसी स्ट्रांग SNR लेवल पे रेंजिंग मार्केट में, तो मार्केट टर्न हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ट्रेंडिंग मार्केट में इस तरह का कैंडल आ रहा हैमर कैंडल स्टिक आ रहा है, और वो इस तरह का कैंडल अगर है, तो मैं देखता हूँ एग्जांपल, अगर इस तरह का कैंडल है किसी ट्रेंडी मार्केट में, तो ये देखो, तो इसका जो ऊपर का विक है, अपर विक जो है, अगर ऐसा हैमर बनता है जिसमें अपर विक ऐसे हो, ऊपर की तरफ हो, तो चांस रहेगा कंटिन्यूएशन में इन द केस ऑफ ट्रेंडी मार्केट। वो कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करेगा क्योंकि मार्केट यहाँ तक जाने का अटेम्प्ट कर रहा है। लेकिन अगर यहीं पे अगर ये उल्टा बन जाता, यानी कि इसका विक नीचे की तरफ होता इतना बड़ा, तो वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये ऊपर का जो विक है, इन द केस ऑफ ट्रेड, इन द केस ऑफ बायर्स, ये दोनों केस में ये चीज़ फॉलो करना है। ठीक है, तब आपको ट्रेड लेना है ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूएशन को डिनोट करेगा इन द केस ऑफ ट्रेंडिंग मार्केट, एंड रेंजिंग में मैंने बताया उसमें कैसे काम करेगा। तो डाउन ट्रेंड में अगर इस तरह का आएगा हैमर कैंडल स्टिक, तो उसमें कैसे काम करेगा, जैसे देखो यहाँ पे हैमर कैंडल स्टिक आया, लेकिन ये ऊपर की तरफ है, ये उल्टा है, यानी कि ये रेड कैंडल में क्या होता है कि अपर शेडो ये नहीं है, अपर शेडो नीचे की तरफ होगा रेड कैंडल में, जबकि ग्रीन कैंडल में अपर शेडो ये होगा, अपर वीक ये होगा। ठीक है, तो अगर ये नीचे की तरफ होता तो ये कंटिन्यूएशन को डिनोट करता, यानी कि मार्केट यहाँ से नीचे जाता
लेकिन ये ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे आपको ट्रेड डी लेना है। तो ये साइकोलॉजी से होता है हैमर कैंडल स्टिक का, इन द केस ऑफ बायर्स, इन द केस ऑफ सेलर, इन द केस ऑफ अप ट्रेंड, इन द केस ऑफ डाउन ट्रेंड। तो ये आप लोग याद रखना चीज़ों को जो भी मैंने बताया आपको, ये कैंडलिस्टिक साइकोलॉजी के अंदर। तो इस तरह से कैंडलिस्टिक काम करता है, इसका साइकोलॉजी ये होता है। ठीक है, मैंने डोजी का भी बताया मैंने आपको। डोजी में क्या होगा कि आपको रुक जाना है, बिग एबनॉर्मल कैंडल में रुक जाना है, मोरोबोजू में आपको ट्रेड नहीं लेना है, हैमर में कंडीशन देख के आपको ट्रेड करना है। सबसे सेफ जो कैंडल स्टिक होता है वो होता है नॉर्मल कैंडल स्टिक, उसके साथ आप कंटिन्यूशन का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ये कैंडल स्टिक साइकोलॉजी में जो बता रहा हूँ ये बहुत ही मैं प्रो कंटेंट आपको दे रहा हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये मार्केट में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी बता दिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दिया इसी वीडियो में। अब मैं देखता हूँ और क्या मुझे बताना है आपको। अब स्ट्रेटजी पे हम लोग आएंगे, तो स्ट्रेटजी पे हम लोग आएंगे और देखेंगे कुछ ट्रेड वगैरह लेके। तो अभी करंट जो सिनेरियो मुझे दिख रहा है इसमें नॉर्मल कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मैं एक ट्रेड प्लेस करूँगा यहाँ पे। हालांकि एक्यूरेसी यहाँ पे मुझे 80% का ही मिलेगा, बट मैं रिस्क लेना चाहिए, रिस्क है तो इश्क है, या इश्क है तो रिस्क है, वॉट एवर जो भी है डायलॉग है किसी मूवी का। तो यहाँ पे देखो ये डाउन ट्रेंड है, तो नेक्स्ट कैंडल स्टिक डाउन पे जाना चाहिए। ठीक है, मैं एक डाउन के लिए 50K रुपीज़ का मैंने ट्रेड ओपन कर दिया है डाउन के लिए, 81% का इसमें मुझे मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। तो ये पूरा जो ये ट्रेड मैंने ओपन किया है ये पूरा बेस्ड होगा कैंडल स्टिक साइकोलॉजी के ऊपर, उसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ एक्चुअली। तो ट्रेडर अलग अलग होते हैं, कुछ ट्रेडर ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेडिंग करते हैं, कुछ SNR लेवल पर ट्रेडिंग करते हैं, कुछ इंडिकेटर्स वगैरह लगा के ट्रेडिंग करते हैं, कुछ पैटर्न पे ट्रेडिंग करते हैं, कुछ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पे ट्रेडिंग करते हैं, कुछ रिवर्सल पे ट्रेडिंग करते हैं। तो बहुत सारे मेथड होते हैं ट्रेडिंग करने के, लेकिन मुझे जो जेन्युइन लगता है वो होता है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, या साइकोलॉजी ऑफ ट्रेंड, साइकोलॉजी ऑफ अप ट्रेंड, साइकोलॉजी ऑफ डाउन ट्रेंड। ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेडिंग में, और मैं स्लोली स्लोली सब कुछ रिवील कर दूंगा एक दिन। आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए। ये देखिए 50K का मैंने प्रॉफिट, आई एम सो 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 सॉरी। एक्चुअली मैं इसको समझा रहा था तो मैंने कुछ सेटिंग कर दी यहाँ से, तो ये ट्रेड काफ़ी लंबा लग गया है, तो काफ़ी लंबा ट्रेड लग गया है, सो सॉरी। तो इसका रिजल्ट तो आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो यहाँ एक्चुअली मैं ध्यान नहीं दिया और मैं दूसरा ट्रेड ओपन कर लेता हूँ, नो नो वरी। तो अगेन वो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो यहाँ पे काम आने वाली है अगेन, लेकिन थोड़ा सा डाउटफुल अब लग रहा है, तो चेंज कर लेते हैं मार्केट, नो वरी, देखते हैं चेंज कर लेते हैं मार्केट। तो हालांकि अगर ये 1 मिनट का ट्रेड होता तो आपके सामने है कि ये प्रॉफिट में गया था। ठीक है, तो आप लोग समझ जाओ कि ये कैंडलिस्टिक साइकोलॉजी कैसे काम कर रहा है। तो इसमें मैंने क्या किया, सिंपली मैंने देखा कि नॉर्मल कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है इस मार्केट में, ठीक ठाक। ठीक है, लेकिन ठीक ठाक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नॉर्मल कैंडल उतनी ज़्यादा नहीं है, 60-40 का रेशियो है, आई थिंक 65-35 का है। तो फिर भी वर्क किया बहुत अच्छे से। तो ये रेशियो अगर अच्छा होता, यानी कि 80-20 का अगर रेशियो होता, या 100-90% का होता, 90-100% का रेशियो होता, तो ये बहुत अच्छा वर्क करता मार्केट में, लेकिन फिर भी अच्छा वर्क किया। तो इसमें नॉर्मल कैंडल मैंने देखा कितने हैं इस ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में,
उसके अकॉर्डिंग मैंने डाउन के लिए कंटिन्यूशन ट्रेड ले लिया और फाइनली इसमें विक्ट्री हो गई। तो मैं और भी स्ट्रेटजी बताता हूँ, तो ये कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर है ये स्ट्रेटजी, और मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जो जो स्ट्रेटजी मैंने बता रखी है उसके अकॉर्डिंग बताऊँ आपको, ठीक है। तो अगर मिलता है मार्केट तो, नहीं तो आपको पता है पेशेंस की होता है ट्रेडिंग में, नहीं मिलेगा एंट्री तो नहीं करना है आपको, ज़बरदस्ती नहीं करना है ट्रेडिंग में, नहीं तो बहुत लॉस हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखो मार्केट स्टक हो गया है, ठीक है। तो स्टक एरिया के ऊपर मैंने एक स्ट्रेटजी आपको बता रखी थी, तो उसी को मैं कोशिश करूँगा इसमें इम्प्लीमेंट करने का। तो उसके लिए मैं वेट करूँगा कि मार्केट इस लेवल तक है, यहाँ तक है, ठीक है, देखते हैं आता है कि नहीं। तो मार्केट ओपन तो हुआ है, थोड़ा सा अगर शिफ्ट होता है नीचे की तरफ, यस यस, तो ये डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट होना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा चांस है, एक्यूरेसी इसमें हाई रहे होनी चाहिए। तो मैं इसमें क्या यूज़ किया, मैंने ये एक स्टक एरिया लिया, स्टक एरिया आपको पता है, मैं भी मैंने बताया क्या होता है। तो इसमें स्टक एरिया में लेवल ड्रॉ करना होता है, कहाँ पे मार्केट जाके रिवर्स हो रहा है बार बार, ठीक है, उस लेवल को फाइंड करना होता है, ठीक है। अभी देखो ब्रेक हो गया है जो लेवल से, जहाँ से बार बार मार्केट ड्रॉप हो रहा था, तभी देखो ये स्टक एरिया में मैं 50,000 रुपीज़ का मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया है, एंड डेफिनेटली हम लोग इसमें प्रॉफिट करेंगे। तो ये देखो प्रॉफिट हो गया इस ट्रेड में। तो ये भी स्ट्रेटजी मैं बता चुका हूँ, ये काफ़ी सिंपल और इजी स्ट्रेटजी है। इसमें बस प्रिकॉशन आपको क्या लेना है कि अगर इस स्टक एरिया में बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं तो वहाँ पे नहीं लेना ट्रेड, या कोई हैमर यहाँ पे बन गया तो वहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ, हमेशा बोल रहा हूँ नॉर्मल कैंडल के साथ चलो तो आप फ़ायदे में रहोगे। तो नॉर्मल कैंडल स्टिक के साथ चलना है आपको मार्केट के अंदर, तभी आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है मार्केट से। तो इसमें फाइनली हमने क्या किया, लेवल ड्रॉ किया, ये स्ट्रेटजी मैं बता चुका हूँ, एक नीचे लेवल ड्रॉ किया जहाँ से मार्केट टच होके वापस हो रहा है, एक ऊपर मैंने लेवल ड्रॉ किया जहाँ से मार्केट टच होके वापस हो रहा है, और मैंने देखा कि यहाँ पे मार्केट आया था तो मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया, फाइनली हमने इसमें प्रॉफिट कर लिया। ये भी स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छा वर्क करता है, इस पर मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगली स्ट्रेटजी के ऊपर। तो मार्केट जैसे मिलता जाएगा तो मैं स्ट्रेटजी को भी डिस्कस करते जा रहा हूँ साथ साथ। तो यहाँ